फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक। दिस इज रिसेप्शन एरिया और यहाँ पे हर मेंबर को वेलकम किया जाता है। एंड दिस इज फिजिक जिम हड़प्पा एंड दिस इज द बिगेस्ट जिम इन दिस एरिया एंड बिगेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक। सो आई विल शो यू द एरिया। ये है हमारा वेटिंग एरिया, कुछ इंक्वायरी चल रहे हैं, देन कुछ आइटेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फूल है। जस्ट टू मेक द एरिया लाइवली, जस्ट फॉर मी। और यहाँ से पूरा जिम चालू होता है। सो फर्स्ट मैं आपको वेट सेक्शन दिखाऊंगा, यहाँ पे मशीन से बहुत सारी, और ये जो है दिस इज फॉर क्लाइंबिंग। आप यहाँ पे वॉल क्लाइंबिंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत जगह जगह पे ये करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है आउटडोर। लेकिन हमने सोचा कि अगर हमें स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे, सो रियल स्ट्रेंथ आपको पता चलेगा जब आप एक्सरसाइज करते हो, देन बाकी सब चीज़ें करते हो, और यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ पे आपकी पूरी मेहनत लग जाती है। आपको स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है। तो उसके साथ ये चीज़ें हो जाएंगी सारी। और देन रॉक क्लाइंबिंग इज देयर। ये बेसिकली क्यों है कि बहुत जगह पे मेरे एज में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं कि जिन्हें मे बी UPSC MPSC कर रहे हैं, उनको भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और देन कुछ किड्स आ जाते हैं जिन्हें स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ये सब चीज़ें दे कैन यूज़, और उनको मशीन्स, अगर किसी का एज कम है तो मशीन्स हम लोग अलाउड नहीं करते उनको, तो दे कैन यूटिलाइज दिस एरिया। दिस इज नॉट दैट प्रोफेशनल थिंग, बट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट दिया है उनको वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे अगर गिर भी जाते लोग तो इंजुरी नहीं होगी, क्योंकि फिजिक का मेन टारगेट है कि विदाउट इंजरी आप अपना फिटनेस बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से पेट सेक्शन चालू होता है, सो लेग प्रेस है, स्क्वाट है, लेग सेक्शन यहाँ पे हमने बना के रखा है। हर चीज हमने ट्राई किया है कि सेक्शन वाइज किया जाए ताकि मेंबर्स कुछ कंफ्यूज ना हो। पूरा लेग का सेक्शन रखा हुआ है। देन दिस इज एरिया जहाँ पे आप यू कैन डू कैटलबेल, देन टेरिस बैंड जहाँ पे आपकी बॉडी के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हो, और दिस इज गुड फॉर कोर स्ट्रेंथ एंड बॉडी बैलेंसिंग। तो अगर इसके ऊपर आप खुद की बॉडी के साथ एक्सरसाइज करोगे तो देन आपका बैलेंसिंग अच्छे तरीके से हो सकता है। हर जगह पे कुछ क्रिएटिव्स बना के रखे हैं ताकि मेंबर्स बोर ना हो जाए, और मेंबर्स को वो जगह पे सेल्फीज निकलने रहती है, फोटोग्राफ्स निकलने रहते हैं। सो कुछ वॉल्स ऐसे रखे हैं कि जहाँ पे मेंबर्स दे कैन एंजॉय देयर फोटोग्राफ्स विथ वेरी गुड बैकग्राउंड। और हर चीज जहाँ पे जैसे रोलर है, यहाँ पे मोस्टली लोग वार्म अप करते हैं, पुशअप्स, पुलअप्स। सो जहाँ पे यूटिलाइजेशन हो सके जगह का उतना करके रखा है। मोस्टली पानी का हर जगह प्रॉब्लम होता है कि बाहर से पानी लेके आना पड़ता है, लेकिन हमने कुछ डायरेक्ट कनेक्शन लेके रखा है कि जैसे पानी आपको प्यूरिफिकेशन के साथ मिल जाए, क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप पानी अच्छे नहीं पियोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती। तो ये मोस्टली यहाँ पे हम लोग कर सकते, जितना हो सके हमसे उतना हम लोग ट्राई करते कि हाइजीनिक हो जाए।
वेट सेक्शन जहाँ पे हर किस कोई भी मशीन किसी भी लोगों के बीच में ना आ जाए, एक प्रॉपर एरिया हो जाए उनके लिए। सो इस तरीके से अरेंज करके रखी है। यहाँ पे एक स्पेशल एरिया हमने बनाया कि आफ्टर वर्कआउट लोग दे वांट टू चिल, उनको रेस्ट लेना है, डाइट करना है और फिर वर्कआउट के बाद कुछ रेस्ट लेके वो चले जाते हैं, कुछ चीज़ें बात कर सकती है। सो इनका इंटरप्शन जिम में ना हो इसलिए हमने एक अलग से एरिया बना के रखा है। सो कुछ फ्यूचर प्लान है यहाँ पे कि मे बी जूस बार हो जाए और यहाँ पे कुछ अच्छे प्रोटीन शेक मिल जाए, तो मे बी प्रोटीन शेक्स के साथ जो भी न्यूट्रिशन की थिंग्स है यहाँ पे अरेंज करने का ट्राई चल रहा है। सो दिस इज एरिया यू कैन एंजॉय आफ्टर वर्कआउट, दिस ओपन एरिया। सो जिम में आने के बाद मेंबर्स को लगेगा नहीं कि आप सिर्फ जिम में आए हो। एंड देन वेलकम टू केज जहाँ पे पूरा हार्डकोर वर्कआउट हो जाएगा। सो फिजिक का ये न्यू कंसेप्ट है क्योंकि मैक्सिमम क्या होता जाता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे लव टू डू प्री वर्कआउट, और प्री वर्कआउट करते समय जब वो डंबल्स के एक्सरसाइज करते हैं और उनको बेंचेस यूज करने हैं, चेस्ट प्रेस करना है, तो मे भी क्या होता है कि जहाँ पे वेट रखते हैं वहाँ पे भूल जाते वेट और मे बी रोल होकर वो फ्लोर पे आ जाता है। सो हमने ऐसा किया कि यहाँ पे केज बना के रखा है कि आपका प्री वेट आपके फ्लोर पे ना जाए और मे बी किसी को इंजरी ना हो जाए, क्योंकि अगर डंबल बीच में आ जाए, कोई मेंबर मेरा चल रहा है तो मे बी उसको कुछ गिरने की गिर सकता है डंबल्स को लगे कुछ चीज़ें होंगे। सो हमने जो प्री वेट जितना भी है सारा के सारा प्री वेट हमने केज में बंद करके रखा है और जिसे प्री वेट वर्कआउट करना है वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे वर्कआउट करके दे कैन पुट द रैक रैक द डंबल्स, और गलती से अगर रह जाएगा डंबल कहाँ पे नीचे सो बाहर ना जाए, तो एक केयर रखने के लिए हमने स्पेशल केज बनाया प्री वेट के लिए। एक चीज़ की है कि हमने जिम थोड़ा फ्री स्पेस देने की कोशिश की है कि जैसे लोग वर्कआउट करेंगे तो वॉक कर सकते हैं आराम से, हर जगह पे कंजेस्टेड कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पे एक बेंच है कि अगर आप वर्कआउट करने के बाद रेस्ट लेना है आपको, यू कैन सीट हियर फॉर अ व्हाइल, एक डेढ़ मिनट बैठ के आप रेस्ट ले सकते हो आफ्टर कार्डियो। अगर आपको बॉडी कूल डाउन करना है सो यू कैन सीट हियर, मेंबर्स एंजॉय करते हैं बैठना और देन थोड़ी देर के बाद दे कैन एंजॉय देयर लाइक वेट सेक्शन। सो दिस इज फुल कार्डियो। जो ज्यादा फिटनेस फ्रिक्स है जिन्हें भागने का शौक है, रनिंग करने का शौक है, सो दे कैन यूज दिस थिंग एंड दिस इज ऑफ माय ब्रांड। सो यहाँ पे आप आराम से रनिंग कर सकते हो क्योंकि अगर कार्डियो पे ऊपर भागते हो सो भी लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, लाइट जाने के बाद जर्क आ सकता है आपको। सो जो रनर्स है हार्डकोर रनर्स यदि भागना ही है दे एंजॉय दिस, दिस इज वेल केयर माय ब्रांड्स मशीन एंड मुझे भी रनिंग करना अच्छा लगता है बट आई हेट कार्डियो बट यहाँ पे आई एंजॉय। सो दिस सेक्शन पूरा हमने कार्डियो के लिए बना के रखा है, बहुत ज्यादा लोग कार्डियो के बाद दे कैन वॉक, दे कैन रिलैक्स, उनका बॉडी रेस्ट कर सकते हैं आराम से वॉक करके, सिटिंग के बाद आप लोग बाकी मशीन्स की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे एक लैडर लगा के रखा है कॉलम था इसलिए, सो बहुत ज्यादा लोग जिन्हें बॉडी स्ट्रेंथ यूज करनी है खुद की और आज का स्ट्रेंथ चल रहा है कि
जैसे आप कॉन्सेंट्रेटिंग है और ये चीजें आपको यूज कर लीजिए। सो जितने आपके पास नॉलेज है, जितना ट्रेनरशिप आएगा, देन समटाइम्स यू कैन यूज इट फॉर स्टिचेस। यू कैन डू स्टिचेस हियर, यू कैन स्टिच योर बॉडी। सो जैसे मैं भी जिम करता था, स्ट्रेचिंग के लिए मैं बेंचेस यूज करता था, तो दूसरे मेंबर को थोड़ा अकवर्ड लगता है कि मैं यहाँ पे, हम लोग वर्कआउट करते हैं वहाँ पे लोग पैर रख के स्ट्रेच करते हैं। सो आपके पास जितनी क्रिएटिविटी है, आप यूज करके यहाँ पे स्ट्रेचेस कर सकते हो। देन मेनी पीपल यहाँ पे एब्स करते हैं, हैंगिंग एब्स। सो जगह था इसलिए यूटिलाइज करके रखा है। कुछ लोग हैं जिन्हें बॉक्सिंग का काम है, सो फॉर देम कुछ बॉक्सिंग किट रखी है। सो जितना हो सके फिटनेस के बारे में मैक्सिमम चीज़ें फिजिक के दिमाग में जो थी फिजिक ग्रुप के, वो सारे के सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने का ट्राई किया है। एक आप दे सकते हो, टायर फ्लिप आजकल लोग ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इवोल्यूशन हो रहे हैं फिटनेस में और लोग खुद का स्ट्रेंथ यूज करना चाहते हैं, उनको देखना है कि खुद में स्ट्रेंथ कितना बड़ा है, तो टायर रोल करना पॉसिबल नहीं है। सो देयर सो मेनी इन्वेंशंस इन मशीन। यहाँ पे आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो जो आप आउटडोर करना चाहते हैं आपको टायर के साथ। सो इट्स स्पेशल दिस आल्सो फ्रॉम वेलकेयर, वेलकेयर आल्सो कमिंग विथ सो मेनी न्यू थिंग्स एंड एवरी न्यू थिंग विल कम इन फिजिक। कुछ चीज़ें अच्छे करके रखी है कि जिम के साथ आपको बोर भी ना लगे। सो वॉल्स, इंटीरियर, दिस इज द थिंग। जैसे आप बोल सकते हो जॉगिंग ट्रैक, आजकल खुद की स्ट्रेंथ यूज करने के लोगों को ये चीजें लगती है कि यहाँ पे आप ट्रॉली पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, देन लंजेस कर सकते हो, यू कैन रन ऑल्सो यहाँ। तो जितना खुद के बॉडी के साथ आपको वर्कआउट करना है, फंक्शन ट्रेनिंग, रोप, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज इट फॉर फन, बट इट्स बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ओवरऑल बॉडी। क्रॉसफिट क्रॉसफिट जो है इससे कंप्लीट जिम। अगर कोई बंदा ट्रेंड बंदा है, अगर कोई ट्रेंड ट्रेनर है, तो एक क्रॉसफिट के साथ कोई बहुत अच्छा पर्सनल ट्रेनिंग का स्टूडियो बना सकता है। सो दिस लाइक दैट इज, यहाँ पे आपके हर मसल का वर्कआउट होगा। एप्स से लेके यहाँ पे लोगों को एप्स करने में थोड़ा तकलीफ होता है, बट विद दिस लेट के आप बॉल थ्रो करके एप ट्रेनिंग कर सकते हो। दीवार, स्क्वाट मशीन, चेस्ट मशीन, देन पावर एक्ट्स के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना कर रखा है ताकि वाइब्रेशन ना हो, और जैसे कि बहुत जगह पे डंबल्स गिर के प्लेट्स गिर के प्रॉब्लम हो जाता है,
दिस फॉर एरिया की हाथ में अगर वेट आप एक्स्ट्रा यूज करते हो तो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। एक वॉल बना के रखा है कि यू कैन सी लाइक सेल्फी और वॉल फॉर फोटोग्राफ्स, यहाँ पे आपको बिन जाते हैं। और एक है कि अगर आपको पंजा लड़ाना है सो आप यहाँ पे पंजा लड़ा सकते हो। सो दिस एरिया की अगर आपकी स्ट्रेंथ, मैक्सिमम लोग क्या लगते हैं वर्कआउट के बाद उनका स्ट्रेंथ चेक होना चाहिए, और स्ट्रेंथ चेक करने के लिए बाइसेप की स्ट्रेंथ यूज करो और पंजा लड़ाओ। And here it is. The biggest group X studio. यहाँ पे zumba activities, dance tour, then yoga और हम और एक एक्टिविटी लॉन्च कर रहे हैं F45 कि जहाँ पे 45 में आप आपकी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट देन कुछ प्लायोमेट्रिक्स है। सो मोस्टली पर्सन स्टूडियो जैसा मेरे यहाँ भी यूज करते हैं सम जेंडिंग एक्स है। देन दिस इज स्पिनिंग स्टूडियो। तो यहाँ पे एक भी फिटनेस की ऐसी चीज नहीं है जो फिजिक में नहीं है, और मैक्सिमम लाइवली रखने का ट्राई किया है कि यहाँ पे लोग बोर ना हो जाए, फ्रेश ही रहे हमेशा। वर्कआउट के बाद उनको लगना चाहिए कि उन्हें कुछ जो थकावट होती है, क्योंकि काम क्या जैसे तो काम करना की अलग होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि दे एंजॉय द वर्कआउट एंड फ्रेशनेस। मेन थिंग है कि यहाँ पे आप बाहर का पूरा सेक्शन देख सकते हो कि ओपन रोड है फूड सेक्शन। इवनिंग के टाइम पे 6-7 बजे इट्स लाइक वेरी फ्रेश एरिया, सनसेट की जैसे दिखेगा। और एक सेक्शन आपको बताऊंगा मैं कि मोस्ट ऑफ द जिम में क्या होता है कि मेंबर्स जैसे ही एंटर करते जिम में तो उन्हें चेंजिंग रूम में जाना पड़ता है। चेंजिंग रूम सबसे ज़्यादा हाइजीनिक होना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट के बाद भी लोग वहीं पे जाते हैं, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, वहाँ पे उनको रिलैक्स होना रहता है। और अगर चेंजिंग एरिया आपका छोटा रहेगा, कंजेस्ट रहेगा, तो जितना एरिया स्पेसिस आपको जिम को दिया आपने उतना अगर वहाँ पर नहीं रहेगा तो लोग जाते समय उतना फ्रेश नहीं जाएंगे जितना आप वर्कआउट करके जाते हो। सो आई विश यू तो हम लोग लॉकर्स, लॉकर्स परमानेंट नहीं रखे हैं। उसके पीछे रीजन है कि लोग खुद का सामान यहीं पर रखे जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, और देन बाकी जो मेंबर्स है जिन्हें अपनी कुछ वैल्यूएबल चीज रखनी है तो उनके लिए लॉकर्स एम्प्टी रहते नहीं है। सो परमानेंट लॉकर कहाँ पर रखे नहीं है। सो एरिया जिन्हें उनका रखा है, जिनकी बैग्स बड़े हैं लेकिन कुछ अफसर है। तो आप देख सकते हो कि कितना स्पेसेस है। देन WCs, एवरीथिंग्स यहाँ पे, शॉवर, टू शॉवर्स, और दिस इज स्टीम रूम, सो यू कैन एंजॉय विथ योर फ्रेंड, ग्रुप ऑफ पीपल कैन एंजॉय दिस स्टीम।
तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया कि जहाँ पे लोग चेक करते हैं कि कितना हाइजीनिक है और कितने वो लोग सेफ हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बैक्टीरिया और कुछ गंदी चीजें जहाँ पे लोग शूज यूज करेंगे दैन बैग आएगा उनके, और अगर ये अच्छा नहीं लोग यहाँ पे बैठते हैं सो मे बी यहाँ से आपकी जिम का सब चीज़ें स्टार्ट होता है कि जिम आपका बाहर कैसे है और अंदर कैसे है। सो दिस इज स्पेसिस एरिया बना कर रखा है ताकि मेम्बर दे कैन एंजॉय दिस एरिया। सो दिस इज जेंट्स जेंट्स चेंजिंग रूम, दिस फॉर द ब्यूटीफुल फीमेल मेंबर्स, सेम एरिया सेम लाइक डब्ल्यूसीज वॉशरूम एंड स्टीम लॉकर्स, मोस्टली फीमेल्स कम नंबर में रहते हैं, उनका एरिया थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू जेंट्स, बट बाकी सब चीजें एज इट इज। स्टीम एरिया एंड एवरीथिंग इज लाइक प्रॉपरली मेंटेन। सो दिस इज दिलीप जिम हड़प्पा एंड यू कैन चेक इट आउट, इट्स अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट, और जो हर टाइम का रिक्वायरमेंट रहता है जैसे क्रॉसफिट है, फंक्शनल ट्रेनिंग है, मैंने आपको बोला कि वर्कआउट के बाद अपनी स्ट्रेंथ चेक कर लिया। सो यहाँ पे बात है तो मुझे भी अच्छा लगता है करना कि मसल बड़े हैं और पावर नहीं तो उसका यूज़ नहीं है। सो इस वर्कआउट में आपके हर मसल का यूज़ होता है, आपके कोर जब तक आपकी स्ट्रेंथ कोर स्ट्रेंथ जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक आप किसी भी चीज़ को पुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर पुश करना है आपको आपको कोर स्ट्रांग करना पड़ता है देन यू कैन पुश। जॉइंट फिजिक आपका काम है सिर्फ यहाँ पे आना, रेस्ट हमारे पे छोड़ दीजिए। अगर आपकी खुली स्ट्रेंथ चेक करनी है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर वर्कआउट अगर आप इंटरनल एक्शन स्ट्रांग नहीं हो सो यू कैन डू दिस। सो सिर्फ मसल बढ़ाने से आपको फिटनेस आएगा नहीं, फिटनेस चेक करना है सो यू कैन ट्राई दीज थिंग्स, फिर आपके आपको पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत की है आपके स्ट्रेचिंग देन कोर और मसल की स्ट्रेंथ। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक जिम एंड दिस ब्रांड इज द बिगेस्ट in Harapsar area, you can see in Pune and physique ke branches mein the biggest gym, there is a big boy.